साल भर गोमांस पकाकर खाने वाले उसी बर्तन में मुस्लिमों के घर ईद का खाने के वजह उससे लाख गुना पवित्र दलित के घर पानी पीकर टूटते हुए हिंदू समाज को जोड़ने का प्रयास करो। जय श्री राम मित्रों, मेरा नाम है निकेत और एक बार फिर से आप सबका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज 5 अगस्त 2020 आज का दिन हम हिंदू भाइयों के लिए बड़े गर्व का दिन है, क्योंकि आज के दिन हमारे अयोध्या श्री राम जन्मभूमि में भूमि पूजन हुआ, जो हमारे पूजनीय PM मोदी द्वारा किया गया। और श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज जो वहाँ पे कहा है, मैं वो सब आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री ने राम मंदिर की आधारशिला रख दी है, पूजा संपन्न हो गई है। राम मंदिर निर्माण के लिए पहले शिलाओं का पूजन किया गया। 12:44 पर चांदी की कन्नी से नींव डाली गई। इसके बाद PM मोदी ने संबोधित किया। देश आज स्वर्णिम इतिहास रच रहा है। आज पूरा भारत राममय है, पूरा देश रोमांचित है, हर मन दीपमय है, आज पूरा भारत भावुक है। सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है। इससे पहले CM योगी ने संबोधन करते हुए PM मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ये भावनात्मक पल है। योगी के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत संबोधित किया। भगवान राम सबके हैं और सब भगवान राम के हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या पहुंचकर पहले हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा की, उसके बाद रामलला के दर्शन किए। PM मोदी ने यह भी कहा कि राम आधुनिकता के पक्षधर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भगवान श्री राम का चरित्र और आदर्श ही महात्मा गांधी के राम राज्य का मार्ग है। राम आधुनिकता के पक्षधर हैं। राम की प्रेरणा के साथ भारत आज आगे बढ़ रहा है। मानवता ने जब जब राम को माना है, विकास हुआ है, भटकने पर विनाश हुआ है। हमें संकल्प शक्ति से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। PM मोदी ने कहा कि राम विभिन्न रूपों में मिलेंगे। वे भारत की अनेकता में एकता के सूत्र हैं। तमिल, मलयालम, बंगला, कश्मीर, पंजाबी में राम है। उन्होंने आगे कहा कि विश्व के कई लोग खुद को राम से जुड़ा हुआ मानते हैं। कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, ईरान में भी राम कथाओं का विवरण मिलेगा। नेपाल और श्रीलंका में तो राम का आत्मीय संबंध जुड़ा है। राम दुनिया के हर रूप में रचे बसे हैं। श्री राम के भव्य देव मंदिर के लिए आज भूमि पूजन हुआ। PM मोदी ने कहा कि इसी आलोक में अयोध्या में राम जन्म भूमि पर श्री राम के भव्य देव मंदिर के लिए आज भूमि पूजन हुआ है। साथियों, इस मंदिर के साथ इतिहास नहीं रचा जा रहा है, बल्कि इतिहास दोहराया भी जा रहा है। हम जानते हैं, जैसे पत्थरों पर लिखकर राम सेतु बनाया गया, वैसे ही हर घर से इसके जल और मिट्टी इसके निर्माण की ताकत बनेगी। भारत की आस्था और सामूहिकता पूरी दुनिया के लिए अध्ययन का विषय है। साथियों, राम हमारे मन में घुल मिल गए हैं। PM मोदी ने कहा कि साथियों, राम हमारे मन में घुल मिल गए हैं। कोई काम करना हो तो प्रेरणा के लिए भगवान राम की ओर ही देखते हैं। आप भगवान राम की अद्भुत शक्ति देखिए। अस्तित्व मिटाने का बहुत प्रयास हुआ, लेकिन राम आज भी हमारे मन में बसे हुए हैं। श्री राम भारत की मर्यादा है और श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। इस दौरान PM मोदी ने तमिल रामायण का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि अब हमें आगे बढ़ना है, देर नहीं करनी है। यही संदेश श्री राम का आज के लिए है। सियापति रामचंद्र की जय जयकार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन खत्म किए। PM ने कहा कि मुझे विश्वास है, भगवान राम का ये मंदिर युगों युगों तक मानवता को प्रेरणा देता रहेगा, उनको मार्गदर्शन कराता रहेगा। मित्रों, आज हम सब हिंदू भाइयों के लिए बड़े गर्व का दिन है। मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि शाम के समय अपने घरों पर दीप उत्सव मनाएं। जय श्री राम मित्रों, अगर आप सबको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।